तीन लोग हजरत अली हजरत के पास आए और उन्होंने कहा कि फंसे हुए हैं जी, बाप हमारा 17 अदद ऊंट छोड़कर चला गया और तकसीम की रेशो भी हमें दे गया। वो ये है कि हम तीन लोग हैं, तो क्या कह गया जी, एक शख्स को हम में से एक को इसका निस्त मिलना चाहिए, 1/2। दूसरे शख्स को 1/3 मिलना चाहिए इन ऊंटों का, और तीसरे को 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए। 17 ऊंट हैं, फंसे हुए हैं। जब पहले पे ही तकसीम करते हैं तो ऊंट जो है वो पॉइंट्स में आ जाता है, ठीक है, यानी हाफ 17 का हाफ पॉइंट्स में आ गया ना, तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही क्या करें। इसी तरह यहां भी होगा, इसी तरह यहां पे तकसीम ही नहीं हो रहा। अब जरा आप देखेंगे हजरत अली हजरत ने जो फैसला किया, उन्होंने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जरा जाओ बैतुल माल से एक ऊंट ले आओ। एक ऊंट मंगवाया जी, उस एक ऊंट को इन 17 में शामिल कर दिया। कितने हो गए जी? 18 हो गए। हाफ वाले को बुलाया उन्होंने, उन्होंने कहा भाई तुम्हें निस्त मिलना है ना, तो माशाल्लाह इतना मैथ आप सबको आता है, कितने बन गए जी? 9 ऊंट उसे पकड़ाए। 1/3 वाले को बुलाया, कितने हो जी? 6 उसे पकड़ाए। 1/9 वाले को बुलाया, कितने हो गए? 2 उसे पकड़ाए। 9 6 15 और 2 17। वो जो एक बचा उसको वापस बैतुल माल में जमा करा। ये फैसला किया। वअक्दाहुम अली, बेहतरीन फैसला करता। अब ये उस वक्त की बात है जब आप कहें कि कोई बहरहाल उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी थी ना कोई इस तरह का सिलसिला था, लेकिन देखें किसने खूबसूरत अंदाज में।